जैसे आपको मैं बताऊं कि यहाँ हम आए और फिलहाल मैं K100 ठीक है। यहां से आया विंडोज में मैं कलर सेपरेशन का है भी कलर सेपरेशन सेपरेशन प्रीव्यू इसको ऑन किया मैंने और आप देखें सियान हटाया तो सियान हटाया मैंने मजेंटा हटाया येलो हटाया दोनों हट गए। येलो ऐड किया और मजेंटा ऐड किया तो अब देखें ये क्या चीज़ आ गई तीन कलर बन गए मजेंटा बना और ऑरेंज बना आपके पास मजेंटा और येलो मिलके ऑरेंज। लेकिन मैं ऑरेंज को क्या चाहता हूँ ऑरेंज को आया मैं और मैं आऊंगा यहां से स्वेचेस पे स्वेचेस पे आके मैंने किया न्यू कलर प्रोसेस कलर स्पॉट कलर प्रोसेस कलर कर रहने दूंगा तो प्रोसेस कलर में रहेगा जब मैं इसको स्पॉट कर दूंगा तो आप देखेंगे कि ये एक चैनल बना देगा इसको आप देख रहे हैं मजेंटा और येलो के चेंज करने से उस पर फर्क नहीं आ रहा है अनटिल अनलेस कि हम इसके सेपरेट चैनल को ऑफ ना करें। क्लियर हुई बात या नहीं? थोड़ी सी मुश्किल चीज है ये प्योरली प्रिंटिंग से रिलेटेड चीज है इसलिए बट आपको पता होना चाहिए इधर डिजाइन जितने हिस्से में सी होगा वो सारा सियान में आ जाएगा। मैंने अलग अलग इसलिए बताया है कि प्योरली आ जाए कोई इमेज उठाऊंगा तो उसमें इतने मिक्स होते हैं पोर्शन उसमें से वो सियान को अलग कर देगा मजेंटा को खुद अलग करेगा येलो को अलग करके ब्लैक को अलग करके बता देगा कि कौन कौन से कलर्स हैं जो मिलकर ये इमेज बना रहे। टेंशन परेशान मसला कोई बात नहीं हल नहीं होगा मुश्किल है बच्चे मैं खुद बोल रहा हूँ मुश्किल है लेकिन बहुत बड़ा खानदान है भाई समझ में आई ये बात या नहीं? कलर से रिलेटेड था इसलिए मैंने ये बात कर दी बच्चे ताकि ये कि कुछ कुछ मालूमात आपके ध्यान में रहे ये याद रखेंगे चीज़ें नोट करेंगे समझेंगे घर जाके कम से कम आपके पास ये वीडियो मौजूद है ऑडियो मौजूद है उसमें से सुनकर अपने हिसाब से नोट्स बनाए ये नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो याद नहीं रहेंगे भूल जाएंगे और ये सोचेंगे ना वीडियो मौजूद है देख लेंगे वो वक्त कभी नहीं आता कि जब दोबारा देखेंगे तो इसलिए जो है उस चीज़ को जितना अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ में प्रैक्टिस करें। क्लियर है? कन्फ्यूजन कोई कन्फ्यूजन कोई पड़ा कोई मसला स्वेचेस आपको पता ही है और स्वेचेस से कलर बनाना बता दिया मैंने अभी आप कोई भी कलर स्पेसिफिकली बनाएं और उसको स्वेचेस में ऐड करवा दें प्रोसेस कलर के तौर पे ऐड करवा दें तो वो आ जाएगा यहाँ पर ठीक है। यहाँ आपके पास कुछ डिज़ाइन भी मौजूद है वो डिज़ाइन वगैरह या लाइब्रेरी से ही आपको तो
वो आप कहाँ से आएंगे, ग्राफिक स्टाइल से। और इसकी फर्दर लाइब्रेरी चाहिए, बने बनाए मौजूद है इसमें। ग्राफिक स्टाइल में यहाँ नीचे से ये लाइब्रेरी है सारी, क्लियर है ना? कंफ्यूजन नहीं आल हुई तो मैं कुछ कर नहीं सकता भाई, पहले ही बता चुका हूँ। समझने का काम तुम लोगों के ऊपर है, मेरा काम सिर्फ समझाना है, बताना है तुम लोग समझ में आया या ना आया, है ना? जाग जा मेरे बच्चे, तू सो गया है आज, हामिद जाग रहा है तो तुम सो गए। स्माइल नहीं अच्छी आई, ठीक है जी। कलर्स के साथ ही आपको मैं कुछ चीजें और बता रहा हूं, कलर के साथ साथ स्ट्रोक पे देख लो एक चीज। स्ट्रोक को ऑन किया, स्ट्रोक के साइज को बढ़ाया आपने, साइज छोटा और बड़ा करने के मैंने बता दिया, स्केल ट्रांसफॉर्म वाली बात लास्ट क्लास में, ठीक है। यहां से आपके पास विथ प्रोफाइल है, ठीक है। ये विथ प्रोफाइल आपके पास किसी भी स्ट्रोक को आप अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर ही अप्लाई हो जाएगा। ये बना भी सकते हैं लेकिन कैसे बनाएंगे ये आगे बताएंगे। यहां से आपके पास इसके मुख्तलिफ डिजाइंस हैं, तो एक तरफ बनाओ, अलग से बनाना पड़ेगा, सिर्फ लाइन ले लो, हाँ सिर्फ लाइन ले लो इसी साइज की और उस पर स्ट्रोक अप्लाई कर दो, स्ट्रोक को बंद कर दिया, इसकी इसको यहाँ अलग लगा दिया इसके साथ, ठीक है ना? इस तरह की चीज़ें हरकतें करनी पड़ेंगी। ओके, तो यहाँ आपके पास लाइब्रेरीज भी मौजूद है, इसकी अगर लाइब्रेरीज पे आप आएंगे, ये स्ट्रोक की लाइब्रेरीज, देखना खंगालना आप लोगों का काम है, बेशुमार लाइब्रेरीज हैं इसके, ये तो पता है ना तुम लोगों को। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का काम ये होता है आपके पास कि वो ग्रेडियंट डाल देता है, एटलीस्ट टू कलर, ठीक है, मैक्सिमम जितने इस्तेमाल करना चाहें। जैसे आपने क्लिक किया ग्रेडियंट बनकर आ गया, ये स्लाइडर्स कहलाते हैं, हम फिलहाल दो स्लाइडर्स के ऊपर रहते हैं, दो तरह के स्लाइडर्स आपके पास, बड़ा भी सकते हैं, मैंने कहा प्लस करोगे जैसे इस पर आओगे इस स्लाइडर के एरिया पर आओगे, क्लिक करते जाओगे ये ऐड होते जाएंगे, क्लिक करके ड्रैग करते जाओगे निकलते जाएंगे, ठीक है। दो स्लाइडर्स हैं, इसकी दो कंडीशंस हैं, आइदर यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इन अ लीनियर फॉर्म और इन अ रेडियल फॉर्म। तो आप रेडियल इसमें स्टाइल में दिखा सकते हैं इसको, या लीनियर स्टाइल में, लीनियर स्टाइल में दिखाने के बाद आपका एंगल्स हैं लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ये सारी चीज़ें एंगल्स के ऊपर डिपेंड करती है। 90 किया, ठीक है, माइनस 90 कर देंगे तो उल्टा कर देगा, 180 कर देंगे
तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और यही काम आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये क्या करेगा, एंगल की बजाय कलर को रिवर्स करता है, एंगल सेम रहने देता है, सिर्फ कलर्स की जो वैल्यूज है लेफ्ट की राइट पे, राइट की लेफ्ट पे कर देता है। क्लियर है या नहीं? रेडियल के अंदर भी क्या काम है, वही एंगल दे दिया आपको, और इसमें आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसकी विड्थ को छोटा और ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। नहीं समझा बच्चे, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये पूछ रहा दो चीज़ें बेटा, वो मैंने बता दिया लीनियर में। लीनियर में आप चाहे लेफ्ट से राइट जाएं, राइट से लेफ्ट जाएं, टॉप से बॉटम जाएं, या बॉटम से टॉप जाएं। रेडियल में आपके पास क्या है, इनसाइड या आउटसाइड, दो कलर से, ठीक है, इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। मैं इस पर लीनियर पे आऊँगा, और मैं एक चीज़ बना रहा हूँ ज़रा जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद आप लोग उसको लेंगे, वही चीज़ बना रहा हूँ जो आप लोगों को असाइनमेंट में दी थी। सर शेप बनाया मैंने, रेक्टेंगल ले लिया, इसी को लिया, इसको ट्रैक कर दिया, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, कलर चेंज कर दिया इसका, इस पर आ गए, और यहाँ आके मैं इसके कलर चेंज करूँगा। कलर डालने का तरीकेकार इसमें यह है, ग्रेडियंट में आप कोई भी कलर पिक करें स्विचेस में से, और ये फटा कर रहा है, स्विचेस में पिक करें, या यहाँ इसके कलर को स्लाइडर को पिक करें, स्विचेस में से अगर आपने पिक करवाना है तो आप कलर उठाएं और ड्रॉप कर दें इस पर, स्लाइडर पर ला के, और ऐड करना है तो उठा के डायरेक्टली कहीं पे भी ला के छोड़ दें। क्लियर है? कन्फ्यूजन है तो बताओ जी, इस पर आए, आई ड्रॉपर पिक करवा दिए, ताकि ये सेम हो जाए। ऊपर आएंगे हम, इसी को लिया, बट इसमें से आके ये निकाल दिया और एक कलर ये निकाल दिया, सिर्फ दो कलर रखे मैंने। एडिट, कॉपी, एडिट, पेस्ट इन फ्रंट, साइज को छोटा करेंगे थोड़ा सा और इसको रिवर्स कर देंगे, और अगेन देन आप सर्कल लेंगे या कुछ भी लेंगे, इसको आपने किया रेडियल,
चीज में ओरिजिनलिटी शेडिंग वगैरह लानी है तो ग्रेडियंट इसमें बहुत इम्पैक्ट करता है। नहीं, जो जो आपने वॉचेस बनाई है उसको अब आप ग्रेडियंट करेंगे, शेड्स उसके ओरिजिनल। ठीक है, क्लियर है? यहाँ रोक रहा हूँ।